फिल्म का बताइए, कौन से कौन कौन से कलाकार जुड़े हैं और कौन से बैनर तले ये फिल्म बन रही है? सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज जैसे कि नागपंचमी है तो आप सभी लोगों को नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव आप सबके ऊपर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज हम फिल्म मणिधारी का मुहूर्त कर रहे हैं और जैसा कि जानते हैं कि अभी मैंने एक फिल्म बनाई तीन ठग, जिसमें हमारे जो हीरो हैं गुंजन भाई हैं और सज्जाद हैं, हम भी हैं उसमें। और अभी गुंजन भाई के साथ आपसे बता दूं कि हमारी हैट्रिक है, यानी खुद्दार, खुद्दार के बाद तीन ठग, तीन ठग के बाद सीधा मणिधारी पे हम लोग काम कर रहे हैं। और इसमें गुंजन जी लीडिंग कर रहे हैं, जिसमें इनकी दो नायिकाएं हैं जिनका नाम बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। तो एक अद्भुत कहानी जिस तरह से मेरी सीरीज चली आ रही है, नागराज, इच्छाधारी नाग, इच्छाधारी नाग के बाद अब मणिधारी, तो कहीं नहीं कि प्रयास है कि उससे भी कहीं ऊपर, उससे भी बेहतरीन कहानी लेकर हम आए हैं। और मुझे उम्मीद है गुंजन भाई पे कि बहुत ही खरा उतरेंगे, बहुत ही इसके लिए मेहनत अभी से ही तैयारी शुरू हो गई है मणिधारी के लिए, जो उनका किरदार है। उन्होंने सुना, जब उन्होंने इसकी कहानी सुनी उन्हें बहुत अच्छा लगा, उन्होंने तुरंत कहा कि मुझे इसे ये फिल्म करनी है। तो मैंने भी एक शर्त रखी कि हम लोग इस कहानी को न्याय देने के लिए उसी तरह का मेहनत भी करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं, क्योंकि नॉर्मल कहानी नहीं है कि एक उस तरह की जिस तरह हम सिनेमा पारिवारिक बनाते हैं, सब कुछ है, पारिवारिक है, ईश्वर से संबंधित है, तो महादेव से संबंधित है, नाग देवता है, नागराज है, नागलोक है, सब इसमें, तो कहीं ना कहीं मेहनत और चीज़ें बढ़ जाती हैं इसमें। तो गुंजन जी ने पूरा उम्मीद और भरोसा जताया है कि मैं भैया मेहनत करूँगा और जितना हो सके, जैसा हो गया, मैं पूरा प्रयास करूँगा। गुंजन जी, आपकी हैट्रिक है दिनेश जी के साथ, दिनेश जी के बारे में बताइए कि किस तरह से आप दोनों की बॉन्डिंग है? सबसे पहले आप सब के ओके भैया, चाचा, माई बहन, भौजाई, समस्त भोजपुरिया दर्शकगण सब के ओके हम गुंजन सिंह पैच होके प्रणाम करते हैं, गोर लगाते हैं। और आज नागपंचमी है तो नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और ये सच में हम लोग का हैट्रिक है और खुद्दार सबसे पहला फिल्म हम लोग किए थे खुद्दार, उसके बाद अभी तीन ठग किए हैं और अब ये मणिधारी है। और आज स्पेशल डे है, नागपंचमी है, और नागपंचमी के दिन अगर कोई फिल्म का मुहूर्त हो और वो भी उनसे रिलेटेड, तो मणिधारी है, महादेव हैं, नाग है, तो अद्भुत है एकदम। ये जब मैं ये कहानी मैं सुना इनसे, हम लोग बैठे कहानी पे, तो मैं सुनता रह गया, दो बार सुना लगातार, और सुना तो मुझे ऐसा लगा कि फिल्म मुझे करनी चाहिए। हमने एक बार में कह दिया सुनते ही कहानी की इसको हम करेंगे और पूरा मेहनत इस पे करेंगे, हम लोग खड़े उतरने का पूरा कोशिश करेंगे और अच्छा फिल्म। गुंजन जी कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि जो भोजपुरी की ट्रेंड चली आ रही फिल्म की, जो हिट हो रही है वो मां धाड़ वाली होती है या तो पारिवारिक होती है, इसमें नाग को लेके बन रहा है, तो आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं? देखिए नाग, नाग जब आ गया ना नाग अपने आप में हिट है, क्योंकि नाग महादेव के मतलब गले में रहने वाला वो नाग है, तो हमको कोई इसमें रिस्क नहीं लग रहा है। नहीं, एक्चुअली बता दें कि जिस तरह से इस तरह की फिल्में तो रोज आ रही हैं, 100 फिल्में बन रही हैं, पारिवारिक बन रही हैं और जो मारधार वाली बन रही हैं, मारधार इसमें भी बहुत है, लेकिन क्या होता है कि जो हमारी भोजपुरिया दर्शक है उन्हें कुछ चमत्कारी भी चीज़ें चाहिए, तो इसमें उन्हें आस्था से भी चीज़ें चाहिए, तो इसमें चमत्कार भी है, आस्था भी है, ईश्वर भी है, तो सब कुछ जुड़ा हुआ है। संगीत जो जैसे मुन्ना दुबे जी हमारे इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरी मेलोडी फिल्म है, संगीत उनको बहुत बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारा गीत सुनने को मिलेगा। और चूँकि लगातार हम मेरा शुरू से ही एक मूड रहा है कि मेरा सिनेमा और मेरा सिनेमा का मूड क्या होता है, संगीत का मूड क्या होता है, हमेशा मेलोडी और चीज़ें जो लोगों को अच्छा लगे सुनने में, यही प्रयास रहता है। संगीत की बात चल रही है तो इसमें आइटम सॉन्ग्स होंगे? जी बिल्कुल नहीं, आइटम सॉन्ग इसमें कहाँ से होगा? जी इसमें आइटम सॉन्ग बिल्कुल नहीं है और कोई भी टाइप का गाना नहीं रहेगा जो कि अदर फिल्मों में रहता है, क्योंकि ये फिल्म कुछ अलग है, महादेव से जुड़ा हुआ है, नाग है। आज नागपंचमी है और आज नागपंचमी के गाने से ही हमारा शुरुआत हो रहा है। और प्रियंका जी आ चुकी हैं यहाँ पर, जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही प्रतिभाशाली सिंगर हैं, तो आज उन्हीं से इस गाने की शुरुआत हो रही है। यह फिल्म पूरा उत्तर प्रदेश में हम शूट करेंगे।
जहाँ पे जंगल, चूँकि इस सिनेमा में जंगल चाहिए, घर गांव चाहिए बड़ा, तो उसी हिसाब से हम इसकी पूरी प्लानिंग उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं।